कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस। हमारे साथ मौजूद है अभी पीडीपी से अब्दुल रऊफ बट साहब। सर, यू मोस्ट वेलकम टू द केएनएस फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको तो सभी पीडीपी लीडर रऊफ बट के नाम से जानते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आपको आपके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आप हैं कहाँ से? मैं यहाँ सोलना रहता हूँ, श्रीनगर में जी। मेरा पूरा नाम रऊफ बट है, अब्दुल रऊफ बट लिखता हूँ मैं। मेरी पढ़ाई हुई है यहीं, मॉडर्न स्कूल है यहाँ पास में ही, वहाँ मेरी पढ़ाई 10th तक हुई है। 10th के बाद मेरी पढ़ाई हुई है 10+2 यहाँ गोगजीबाग में स्कूल है, हायर सेकेंडरी गोगजीबाग के नाम से वो जाना जाता है। उसके बाद मेरा जॉब लग गया था डायरेक्टर जो है स्टेशनरी प्रिंटिंग, वहाँ मैं एज पीए काम करता था। फिर 2011 में मैंने वॉलंटियरली रिज़ाइन किया, क्योंकि मेरी सर्विस जो थी वो 13 साल थी। वॉलंटियरी रिटायरमेंट के लिए मेरी सर्विस होनी चाहिए थी 20 साल, फिर मैंने रिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने पीडीपी ज्वाइन किया। तो ये शौक कैसे है आपको, बचपन से ही था दिमाग में नहीं मैंने आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, कि कुछ ऐसा हुआ जिसके पॉलिटिक्स में? बेसिकली मैं चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का पैशन है कि मैं मरने से पहले कोई बड़ा काम कर जाऊँ इंसानियत के लिए, अपने लोगों के लिए। बचपन से ही ऐसा नेचर है कि हेल्पिंग नेचर है, मतलब कोशिश करता हूँ मैं कि एक दूसरे के काम आऊँ, मैं दोस्तों के काम आऊँ, पड़ोस में जो रहते हैं उनके काम आऊँ। तो मज़ा आता है इस चीज़ में कि किसी के काम आने में। Then why PDP, कोई और पार्टी की? बेसिकली जब इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। पॉलिटिक्स एक ऐसा रास्ता है जिसमें इंसान बड़े वॉल्यूम में काम कर सकता है। उसके बाद जब मैंने 2011 में मैंने पीडीपी ज्वाइन की, तो मैं मुझे लगता है 4 साल 2014 तक मैं इनका डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट यहाँ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने मैडम के साथ, नईम साहब के साथ इस डिस्ट्रिक्ट में बड़ा काम किया है, और उन दिनों यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेन स्ट्रीम का जो रुझान था लोगों में वो बहुत कम था। तो उसके बाद यूथ बिल्कुल नहीं मानती थी, तो अल्लाह ने मदद की और हमारी जो नियत थी वो साफ थी कि मेरी कोशिश थी कि जितना भी हो सके हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, हमारा जो यूथ है वो पढ़े लिखे, वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। इवन मेरा ये शौक था कि न सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बल्कि सुप्रीम साइंस को हमारी जो यूथ है वो फॉलो करे, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। तो उसके बाद जो है 2014 में मेरे कुछ इख्तलाफात हुए इनके साथ। मैंने उन दिनों इनको कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज़ाती मुफादात बहुत ज़्यादा है, जो विज़न, जो सोच मुफ्ती साहब की थी, जो इससे पहले आप मुझे सवाल किया था कि पीडीपी क्यों, बेसिकली उनकी जो सोच थी, फिक्र थी, एजेंडा था पार्टी का, वो मुझे बहुत इंस्पायर कर गया। क्योंकि उनकी जो है उनका बेसिक एजेंडा था कि यहाँ से जो है हम ब्रिज का काम करें, बातचीत हो, आर पार जो है बिजनेस हो, आइसोलेशन ख़त्म हो जाए, वायलेंस ख़त्म हो जाए। तो और मैं ख़ुद भी इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर था कि दुनिया में जो भी कुछ होता है वो बातचीत से होता है। दुनिया में बहुत सारे बॉर्डर्स आपने देखे यूरोप की तरफ से इररिलेवेंट हो गए, क्योंकि इकॉनमी का दौर है, इकॉनमी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर होती है कोमू में। वही एक वजह थी कि मैं चाहता था कि जो इकॉनमी यहाँ हमारी क्रैश हुई वो रिवाइव हो जाए, और रिवाइव होने का एक ही रास्ता था कि हमारी जो है यूथ
जो है वो अच्छे जॉब्स में आ जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। और जहाँ तक मसले कश्मीर का ताल्लुक था, पीडीपी का एक साफ एजेंडा था कि ये मसला जो है पॉलिटिकल मसला है, जिसको मरकजी सरकार भी मानती है कि ये एक मसला है, इसे हल होना था और इसे हल होना है। तो हमारी भी यही सोच थी कि अगर ये हल होगा तो बातचीत के ज़रिए होगा। हम अगर बात करें लीडर्स की, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स या किसी भी पार्टी के, मैक्सिमम देख रहे हैं कि वो क्विट कर रहे हैं अपनी पार्टी से, तो कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके क्या वजूहात है आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ अक्सर आपने देखे होंगे लोग जो पावर के पीछे चलते हैं। मैंने आपको कहा कि जब 2014 में मैंने पार्टी को छोड़ा, उसमें मेन रीज़न ये था कि मैंने इस चीज़ को ऐसा फील किया था, महसूस किया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज़ाती एजेंडाज है, जिनके ज़ाती मुफादात है, जो इस एजेंडे के साथ नहीं है। और वक़्त ने वो साबित कर दिया। जब मुफ्ती साहब इस दुनिया से चले गए, और उसके बाद मैडम महबूबा मुफ्ती को बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिनने बाई फोर्स उनको जो है हुकूमत लेने के लिए मजबूर किया, बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए मजबूर किया। तो उस टाइम ये चीज़ सामने आई कि बेशक कुछ लोग ऐसे थे जिनके ज़ाती एजेंडाज थे। तो उसके बाद जब हम आगे चले, फिर भी हमने देखा कि पार्टी के बहुत सारे लोग जो है पावर ख़त्म होने के बाद ही पार्टी से चले गए। तो उसके बाद मुझे पहले से इस चीज़ का एहसास था कि मुझे एक सोच और फिक्र के साथ चलनी है, तो मैंने फिर वापस ज्वाइन की पीडीपी। अदरवाइज़ मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 2014 में ज्वाइन की थी, मैं उनका सूबाई नायब सदर, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर रहा था। तो क्या आपके ज़रिए हमें कोई ऐसा फैसला आगे देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं जो है इंस्पायर हुआ हूँ मुफ्ती साहब की सोच के साथ। मैं इस पार्टी के साथ बाई कन्विक्शन जुड़ा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो फिक्र और सोच है, अगर इसको हम वाकई मजबूती के साथ जो है दिन ब दिन मजबूत करते जाए, तो अल्लाह के फजल से मेरा पूरा इस चीज़ पे ईमान है कि ये जो सोच और ये फिक्र जो है, जो एजेंडा है, यही एक रास्ता है जो साउथ एशिया में पीस ला सकता है। तो एट द एंड आपसे इतना जानना चाहेंगे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? लोगों के लिए काम करना, जो हमारे हकूक है, जो पिछले 5 अगस्त को हमसे गैर जमहूरी तरीके से छीने गए, गैर आईनी, उन चीज़ों के लिए लड़ना, उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना, पॉलिटिकल स्ट्रगल करना, हर सतह पे स्ट्रगल करना, क्योंकि वो इस मुल्क के आईन और कानून ने हमें दिया था, और कोई जमहूरी को तरीका नहीं था जो जैसे वो हमसे छीने गए। और उन जो बेसिक हकूक है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनके लिए जो है लड़ना, स्ट्रगल करना। और हम सब जो है अल्लाह के फजल से मैडम के साथ, मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ जो है शाना बशाना खड़े हैं, उसके साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह चाहे कि वो जल्द से जल्द रिहा हो, तो एक डायरेक्शन मिलेगी। हम स्ट्रगल करेंगे तब तक जब तक हमें अपने हकूक वापस नहीं मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ रऊब बट साहब। तो आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस, हर छोटी बड़ी खबर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज़ सर्विस।